Hi guys, welcome to Market Technical and I wish you all a very happy new year. ये साल आप सभी के लिए अच्छा हो, इस साल आप कुछ नया सीखें, मेहनत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें. आप सभी 2019 में मेरे वीडियोस देखते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आए होंगे और आपने उससे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा. तो इस साल भी मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह के अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जहाँ से आपको रियल मार्केट की नॉलेज मिले, मैं बनाती रहूँ और आप उससे सीखते रहें. और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर तो जरूर करेंगे. तो अगेन आई जस्ट केम हियर टू से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और आप सभी के लिए साल बहुत अच्छा जाए, मेहनत करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. ऑल राइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी. सो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट. सो मंथली चार्ट पे हम देखेंगे कि किस तरह की दिसंबर में हमें क्लोजिंग मिली है, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और उसके बेसिस पे आगे जनवरी में हमें किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं दिसंबर में किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हुई है. तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसे आप एक तरह से एक हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हैं, आप इसे एक डोजी कैंडल कह सकते हैं. बेसिकली ये कैंडल जहाँ पे ओपन और क्लोज में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट पास पास है. अपर शेडो इस कैंडल की छोटी है और लोअर शेडो काफ़ी बड़ी है. ओके, सो ये एक तरह से इंडिसाइजिव कैंडल है जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि लोअर लेवल पर आते ही यहाँ पर हमें बाइंग प्रेशर दिखता है और ऊपर की तरफ आते ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है. यहाँ पर बुल्स भी हैं और बायर्स भी हैं. और अगर हम इस कैंडल को पिछली कैंडल से कंपेयर करें तो पिछली कैंडल अगर आप देखें तो एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल थी. दैट मींस नवंबर मंथ में मार्केट में बुल्स हावी थे लेकिन दिसंबर में यहाँ पर बियर्स भी आ चुके हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था. ओके, सो ब्रेकआउट लेवल्स करीब 31400 के थे और हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर 31400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो जो तेज़ी का ट्रेंड है आगे कंटिन्यू हो सकता है और उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है अभी तक. ओके, सो इस मंथ की कैंडल भी अगर आप देखें, हायर हाई बनाया है और हायर लो बनाया है, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर. तो आई एम नॉट वरीड हेयर, बट यहाँ पर क्योंकि कैंडल आप इनडिसाइजिव देख रहे हैं, यहाँ पर बियर भी हैं और बुल्स भी हैं, तो हमें यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा. ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पे मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगा या बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, तो ऐसा अभी चार्ट देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है. चार्ट अगर आप देखें तो अच्छा खासा मंथली चार्ट पे हमें ब्रेकआउट है, उसी के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है अभी तक. तो यहाँ पे मंथली लेवल सेम रहेंगे 31400. तो एज लॉन्ग एज 31400 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पर तेज़ी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है. बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें दिसंबर मंथ में इंडिसाइजिव कैंडल्स मिली है. तो उस केस में आप जो भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें ताकि आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकें और थोड़ा लाइट ट्रेड करें. क्योंकि जनवरी, अभी अगर आप दिसंबर में देखें तो दिसंबर में मोमेंटम थोड़ा स्लो था, बहुत ज़्यादा हमें वॉल्यूम भी नहीं देखने को मिला था, लेकिन जनवरी में हो सकता है कि हमें एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट में देखने को मिले. तो इसीलिए कॉशियस होना ज़रूरी है. और यहाँ पर अभी भी जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का इंटैक्ट है, तेज़ी का अभी भी बना हुआ है. RSI की बात करें तो RSI में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, यहाँ पे फ्लैट भी है लेकिन डाइवर्जेंस का यहाँ पर जब तक यूज़ नहीं है, जब तक हमें प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिल जाती और प्राइस कंफर्मेशन अभी भी हमारे पास नहीं है. तो 31400 मंथली लेवल ध्यान में रखें, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है ट्रेंड भी यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा. ओके, तो चलिए अब चल के देखते हैं वीकली चार्ट. सो पिछले वीक की कैंडल देखें तो ये भी एक डोजी कैंडल, इसे आप हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हैं, अच्छी तेज़ी के बाद हुई थी. और यहाँ पे हमने एक प्रोबेबिलिटी भी बताई थी कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसे कहते हैं रिकॉर्ड काउंट सेशन. ओके, सो यहाँ तक कैंडल्स भी कंप्लीट हो गए थे लेकिन किसी भी कैंडल के लो के नीचे अगर आप देखें अभी तक क्लोज नहीं आया है. लो के नीचे मार्केट ज़रूर गया लेकिन क्लोज पिछले लो के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है. ओके, सो यहाँ पर भी हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रेंड है मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ है लेकिन
प्राइस कंफर्मेशन हमारे पास अभी भी नहीं है। यहाँ भी आरएसआई में देखें तो आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस जरूर दिख रहा है, प्राइसेस में यहाँ पर तेजी है लेकिन आरएसआई में यहाँ पर अभी तक पिछला हाई क्रॉस नहीं हुआ है। ओके, सो जब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती यहाँ भी आरएसआई का उतना यूज नहीं है। ओके, अब बात करें कि ऊपर के लेवल पर रेसिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिल सकती है। सो उस केस में मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कर रही हूँ। Okay, so it's not clear right now. Okay, so I'm gonna use trend-based Fibonacci extension. The first point आप ये देख सकते हैं, second point and the third point. Okay, so आप देख सकते हैं पहला resistance करीब 30,180 के पास था, हमने breakout देखा। उसके बाद next resistance यहाँ पे देखा, आपने देखा इस level के आसपास bank Nifty ने consolidate किया और उस level के ऊपर ही ऊपर अभी trade कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ पर बात करें तो इट्स ड्रॉइड। सो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आपको देखने को मिल सकता है वो करीब 32,950 के आसपास ही। ओके, सो वीकली लेवल पे आपके पास जो सपोर्ट है करीब 31,800 का है, ये आपका फिबोनाची सपोर्ट है। और अगर मैं यहाँ पे प्राइस सपोर्ट देखूँ तो प्राइस सपोर्ट हमारा 3200 के आसपास है। तो ये लेवल्स हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए थे डिटेल में, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सो ये लेवल्स भी अभी तक बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है ऑन अ वीकली बेसिस। सो जब तक वीकली बेसिस पे 32,000 लेवल्स अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे जो तेजी है आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। ओके, और अगर 32,000 ये लेवल टूटते हैं तो नेक्स्ट लेवल आप देख रहे हैं 31,800 के हैं, और जो मेजर सपोर्ट रहेगा अगेन 31,400 का जो हमें मंथली लेवल के आसपास मिलता है। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट की बात करें तो आज काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है। आप कैंडल अगर देखें तो एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, अपने लो के आसपास ओपन हुई थी, अपने हाई के आसपास क्लोज हुई। और अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी थी, डेली चार्ट पे उतना विजिबल नहीं है। आप अगर जनवरी एक कल का क्लोज देखेंगे तो कल का क्लोज करीब 32,100 के आसपास आया था और आज का जो क्लोज आया है करीब 32,130 के आसपास आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप यहाँ पर मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आया, उसके बाद तेज़ी भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू हुई और अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ। और अगर आप ये कैंडल आज की देखें तो ऑलमोस्ट 3 दिन में जो गिरावट हुई थी आज के सेशन में करीब करीब 2/3 रिकवरी हम देख चुके हैं। ओके, लेकिन क्लोजिंग जो है अभी भी रेसिस्टेंस के आसपास है। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ओके, सो ये रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पर अभी भी क्लोजिंग आई है। तो हो सकता है यहाँ पे कल मार्केट अटकता हुआ नज़र आए। आपको देखना है कि कल किस तरह की ओपनिंग होती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर होती है तो नेक्स्ट लेवल आप जो देख रहे हैं करीब 32,950 का भी टेस्ट हो सकता है। तो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई में यहाँ पर डाइवर्जेंस है लेकिन अगेन प्राइस कन्फर्मेशन हमें नहीं मिली थी क्योंकि 32,000 के नीचे यहाँ पर डेली बेसिस पे भी क्लोज नहीं आया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 32,000 के आसपास ही क्लोजिंग आई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने गैप अप ओपनिंग देखी, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद मार्केट ने पिछला हाई टेस्ट किया और फिर से वहाँ से गिरावट देखने को मिली। और आज अगर आप देखें तो उसी तरह की कैंडल बनती हुई नज़र आई है। और अगर मैं यहाँ पर ये जो 5 कैंडल है अगर इनको मैं कंबाइन करूं तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है जिसे कहते हैं राइजिंग मेथड। ओके, लेकिन उस केस में आपको कंफर्मेशन तब मिलती है जब आप ये जो बियरिश कैंडल देख रहे हैं उसके हाई के ऊपर हमें क्लोज देखने को मिले। ओके, लेकिन अगर आप उसका वेट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा उतना ज़्यादा वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता। ओके, तो फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और रेंज के अपर एंड के पास है। ओके, तो स्लाइट रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। तो इस लेवल के आसपास, ये लेवल आप देख सकते हैं करीब 32,500 का लेवल है, इस लेवल के आसपास आपको प्राइस एक्शन नोटिस करना है कल के चार्ट पे। और अगर हम यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स प्लॉट करें,
सो बोलिंजर बैंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स ब्रॉड हैं, दैट मीन्स हमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है मार्केट में, और प्राइजेस जो हैं मिडल बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड जैसा तेज़ी का था अभी भी कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और अपर बैंड रेसिस्टेंस जो आता है करीब 32,800 के आसपास आता है, तो ये लेवल भी आप बीच में ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आर्ली चार्ट चल के देखते हैं। ओके तो आर्ली चार्ट पे आप देखें, सो आर्ली चार्ट पे अगर आप ओपनिंग देखें तो ये पहले घंटे की कैंडल थी। पहले घंटे की जो कैंडल एक शूटिंग स्टार कैंडल जैसी बनती हुई नज़र आई थी, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल इंपॉर्टेंट तब होती है जब वो एक अच्छी खासी तेज़ी के आसपास बने। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो उससे पहले केवल दो ही कैंडल यहाँ पर बनी थी, तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, वहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, तो आप ये देख सकते हैं। सो पहले घंटे में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया, दूसरे घंटे यहाँ पे फिर से कोशिश की, और तीसरे घंटे में हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा, और फिर ये तेज़ी आगे जाके कंटिन्यू होती हुई नज़र आई। और RSI भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 80-40 की रेंज है, विच इज़ अ बुलिश रेंज। और अभी अगर आप प्राइजेस देखें तो अपर बैंड को राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन कल के सेशन में आपको स्लाइट रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है करीब 32,500 के आसपास। तो जिस भी तरह की ओपनिंग होती है उसके बेसिस पे आपको प्राइज एक्शन को नोटिस करना है, उसी तरह का मूवमेंट आगे हमें प्राइजेस में देखने को मिल सकता है। ओके सो 15 मिनट की बात करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइजेस वापस आए, फिर ब्रेकआउट देखा और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ये तेज़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आई। और अगर आप 15 मिनट के भी चार्ट पे देखें तो प्राइजेस अपर बैंड को राइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोमेंटम भी काफ़ी हमें अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर सारे चार्ट अगर मैं बात करूँ तो एक ही डायरेक्शन में है, सब एक ही बात यहाँ पर कन्फर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंथली चार्ट पे एक इंडिसाइजिव कैंडल बनी है तो इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस वहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मूव आएगा एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चल के देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स। ओके सो निफ्टी का भी सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट। सो ये मार्किंग्स हमने अपने लास्ट वीडियो में करी थी, तो यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, और आप देख सकते हैं कि जो हमने लेवल्स मार्क करे थे उस लेवल के ऊपर ही ऊपर यहाँ पर निफ्टी अभी तक ट्रेड करता हुआ आया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं ये हमने सपोर्ट जोन मार्क किया था, और उसी सपोर्ट जोन में आप देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमें देखने को मिली है। तो ये सपोर्ट जोन यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है, तो 12,140 से 12,170 ये एक अच्छा मंथली सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करता है तो तेज़ी का ट्रेंड यहाँ भी कंटिन्यू हो सकता है। और इस मंथ की कैंडल की बात करें दिसंबर मंथ की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक दोजी कैंडल बनती हुई नज़र आई है, और इसका ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और लोअर शेडो काफ़ी बड़ी है और अपर शेडो भी यहाँ पर काफ़ी है। तो नीचे के लेवल पर ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, और ऊपर के लेवल पर सेलिंग देखने को मिल रही है। और जो मेजर सपोर्ट जोन आप जो देख रहे हैं निफ्टी का 12,000 से 11,800 का है, तो जब तक ये मेजर जोन यहाँ पर निफ्टी होल्ड कर रहा है जो तेज़ी का ट्रेंड है आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। और इस मंथ की कैंडल ने भी एक नया हाई और हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, तो माइक्रो माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों तेजी का बना हुआ है। और यहाँ पे मंथली लेवल पे आपको एक और सपोर्ट जोन मिल जाता है जो 12,140 से 12,170 का है। तो इस मंथ में वैसे अभी तक दो ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं और उसके ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये जोन होल्ड कर रहा है तेज़ी आगे कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर ये जोन यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप ये जो दूसरा जोन देख रहे हैं जो एक मेजर जोन है जो कन्फर्म करेगा आगे का ट्रेंड कि किस तरह का ट्रेंड रह सकता है। सो यहाँ पे ये मेजर जोन आप देख रहे हैं, इस लेवल्स को ध्यान रखें, और एक यहाँ पर माइनर जोन देख रहे हैं। तो चलिए चल के देखते हैं वीकली चार्ट।
पिछले वीक की कैंडल देखें तो ये भी एक तरह से एक डोजी और हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी, और उससे पिछले वीक की कैंडल देखें तो एक बुलिश कैंडल थी, गैप अप कैंडल थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मार्किंग्स थोड़ी हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना लगे। सो यहाँ पे आप, अगर मैं मार्क करूँ, सो ये आप एक गैप देख सकते हैं। तो ये गैप लेवल वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। 12,000 का सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं, तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप ध्यान में ज़रूर। और आप देखें, पिछले वीक उसी लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड किया है, इस वीक भी उसी लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, यहाँ पर ट्रेंड आगे तेज़ी का आगे बनता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी यहाँ पर थोड़ा, आप अगर ये पिछले वीक की लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल देखें तो 12,300 का लेवल एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। लास्ट कैंडल आप जो देख रहे हैं एक तरह से एक हैंगिंग मैन कैंडल है, तो ये एक रेसिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकती है। तो 12,290 12,290 से 12,300 ये 10 पॉइंट का जोन है जो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है वीकली बेसिस पे। तो अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तभी ये जो तेज़ी है आगे कंटिन्यू होती हुई हमें दिख सकती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए सिंपल, जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी में फिबोनाची एक्सटेंशंस प्लॉट करे थे, हम यहाँ भी वही करने वाले हैं। सो पहला रेसिस्टेंस हमने करीब 11,750 के पास देखा था, उसके बाद 12,160, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आप देख रहे हैं 12,500 के आसपास आ रहा है। ओके, सो एक छोटा रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं वीकली बेसिस पे 12,300, 12,300 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा करीब 12,500 के आसपास मिलेगा। बोलिंजर बैंड्स की बात करूँ तो ब्रॉड है, तो वॉलेटिलिटी हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। RSI में यहाँ पे देखें हायर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई भी डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कंपैरेटिवली निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड है, अभी अपर रेंज पर है। आज की कैंडल देखें तो गैप अप कैंडल थी जो अपने लो के आसपास ओपन हुई, अपने हाई के आसपास क्लोज हुई, तो अच्छी खासी तेज़ी की कैंडल है। यहाँ पर डाइवर्जेंस है RSI में आप देख रहे हैं, और एक साइडवेज आप डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन देख रहे हैं, RSI में डाइवर्जेंस है अगेन, लेकिन हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं है। प्राइस एक्शन की बात करूँ डेली चार्ट पर तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें साइडवेज दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक रेंज बनती हुई नजर आई है। पिछली रेंज से ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद एक नई रेंज यहाँ पर बनी है जो है करीब 12,150 से 12,300 की, 150 पॉइंट का जोन है ये। तो जब तक ये जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है साइडवेज रह सकता है, और अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो नेक्स्ट आपका जो बोलिंजर बैंड्स पहला रेसिस्टेंस बता रहे हैं करीब 12,400 का, और फिबोनाची रेसिस्टेंस जो आपका मिलेगा वो मिलेगा करीब 12,450 के आसपास। ओके, और RSI में यहाँ पर डाइवर्जेंस है बट अगेन कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन आपको मिलेगी 12,000, ये आप जो जोन देख रहे हैं ये जोन जो हमने वीकली चार्ट पे मार्क किया था, और बोलिंजर बैंड का मिडल बैंड भी वही है विच इज़ नथिंग बट अ 20-डे मूविंग एवरेज। अगर इसके नीचे क्लोज आता है डेली बेसिस पे तभी हमारे पास प्राइस कन्फर्मेशन मिलेगी, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रिट्रेसमेंट और कुछ गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे पिछले सपोर्ट लेवल्स निफ्टी प्रॉपरली होल्ड कर रहा है। कल आपको देखना है कि इस लेवल के आसपास किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, तो आप वो प्राइस एक्शन आर्ली 15 मिनट, या फिर अगर आप इंट्राडे चार्ट करते हैं तो आप 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं RSI की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है 70-40 की बनी हुई है, तो यहाँ पे बुलिश रेंज है। प्राइस एक्शन देखो तो यहाँ पे आप क्लियर साइडवेज प्राइस एक्शन देख सकते हैं, अभी अपर रेंज के आसपास है। और बोलिंजर बैंड की बात करूँ तो अपर बैंड को राइट कर रहा है, तो मोमेंटम अच्छा दिख रहा है हमें। आज की अगर आप ओपनिंग देखें तो क्लियर गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, गैप को फिल करने की भी कोशिश नहीं की, वो अगेन एक अच्छा मोमेंटम का इंडिकेशन यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही मिल गया था। उसके बाद अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे निफ्टी में भी देखने को मिली। RSI भी यहाँ पे 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कल को आपको नोटिस करना है कि 12,300 के ऊपर निकल पाता है तो तेजी आगे कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस देखता है तो फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस केस में आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए। आर्ली चार्ट आपको जो सपोर्ट दे रहा है करीब
12,200 और नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट मिल रहा है करीब 12,150 के आसपास मिल रहा है. तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखें और प्राइस एक्शन को नोटिस करते रहें. सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें. मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग.